तो प्यार साथियों, बड़ी अपडेट आई है। विभाग करेगा 2330 विधवाओं का सत्यापन दस्तावेज जमा कराने पर आरंभ होगी पेंशन। तो क्रीड ने पात्रों के नाम भेजे दस्तावेज अपलोड करने का शर्त आएगी खाते में पेंशन। ठीक है, इसमें बता रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। भिवानी जिले से अपडेट आई थी, तब भिवानी जिले में 2330 विधवा महिलाओं की मानव सूचना एवं संसाधन विभाग सत्यापन करेगा। इसके बाद दस्तावेज जमा कराने पर इन महिलाओं की नई विधवा पेंशन भी आरंभ हो जाएगी। क्रीड ने भी भिवानी में पात्रों के नाम भेजे हैं जिनके दस्तावेज अपलोड होने पर स्वतः उनके बैंक खाता में पेंशन आना शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। इसके बाद इस प्रक्रिया में स्वतः ही ऐसे परिवार पहचान पात्रों का डाटा उठाया गया है जिसमें परिवार मुखिया की मृत्यु हो चुकी है या फिर परिवार मुखिया नहीं है। इन महिलाओं को अपने जरूरी दस्तावेज अपलोड करने पर पेंशन का लाभ भी मिलेगा। भिवानी जिले में 378,000 से अधिक परिवारों के परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं, जबकि जिला समाज कल्याण विभाग से विभिन्न श्रेणियों में 1,60,724 पत्र हर माह पेंशन ले रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों की मुखिया की मृत्यु हो चुकी है उन परिवारों की विधवा महिलाओं की फैमिली आईडी में स्थित के अनुसार अब स्वतः ही क्रेडिट पहचान कर रहा है। इसके बाद इन महिलाओं को मानव एवं सूचना संसाधन विभाग में विधवा होने के प्रमाण यानी उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड कराने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग के माध्यम से स्वतः ही बैंक खाते में पेंशन मिलना आरंभ हो जाएगी। भिवानी जिले में 1,60,724 लाभार्थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से पेंशन ले रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में परिवार के सदस्यों के अपडेटन डाटा के बाद विधवा महिलाओं के पात्र बुजुर्गों की पेंशन भी पात्रता पूरी करने के बाद बनाई गई है। इसमें 8 तरह की श्रेणी विभाग से निर्धारित की है। ठीक है, और इसमें बताया क्रिड से हमारे पास 2330 विधवा महिलाओं का डाटा भेजा गया है। इन महिलाओं से फ़ोन कर मानव सूचना एवं संसाधन विभाग के कर्मचारी इनके दस्तावेज की तस्दीक कर रहे हैं। जिन महिलाओं के दस्तावेज परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार अपलोड करा दिए जाएंगे उनकी पात्रता पूरी होने के उपरांत उनके बैंक खाते में पेंशन का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। मानव सूचना संसाधन विभाग की ओर से पास फोन किए जा रहे हैं। जिन महिलाओं के नंबर नहीं मिल रहे हैं वे मानव संसाधन सूचना विभाग कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा करा सकती हैं। खुशवंत सिंह जिला संयोजक मानव सूचना एवं संसाधन विभाग भिवानी की तरफ से उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है। ठीक दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन आई थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।